वीर सिंह ने लौटाया सपा का टिकट, चुनाव लड़ने से किया मना, कहा मानिकपुर विधानसभा सीट से नहीं लड़ेंगे चुनाव। ओबीसी की रैली कैंसिल, नहीं मिली परमिशन, गाजियाबाद के लोनी में होना था कार्यक्रम। मनोज तिवारी ने की जनसभा, तिलकराज बेहड़ पर साधा निशाना, कहा तिलकराज बेहड़ को कीछा से मिलेगी हार। लालकुआ में बीजेपी को लगा झटका, दर्जनों बीजेपी पदाधिकारियों ने पार्टी से दिया इस्तीफा, टिकट वितरण में अनियमितताओं का लगाया आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। बीएसपी ने 54 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। बीएसपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ख्वाजा शमशुद्दीन को उम्मीदवार घोषित किया है। ख्वाजा शमशुद्दीन गोरखपुर शहर सीट पर सीएम योगी को चुनौती देंगे। बीएसपी की इस लिस्ट में गोरखपुर के साथ ही कुशीनगर, देवरिया, बलिया, अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और बस्ती जिले की विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। बीएसपी ने संत कबीर नगर, महाराजगंज और बलिया की सीटों के लिए भी उम्मीदवारों का ऐलान किया है। अंबेडकर नगर जिले की कटहरी सीट से प्रतीक पांडे और टांडा सीट से शबाना खातून को चुनावी मैदान में उतारा। उत्तराखंड में एक तरफ बीजेपी मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले पर कांग्रेस को घेर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता वोट के लिए मस्जिदों के चक्कर काट रहे हैं। बीजेपी पर यह आरोप कांग्रेस ने लगाया है। दरअसल पौड़ी की श्रीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो मस्जिद से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन सिंह रावत का ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने अब बीजेपी पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगा दिया। कल तक जो बीजेपी उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की मांग को लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अकील अहमद के वायरल वीडियो पर हल्ला मचा रही थी, उसी बीजेपी को आज कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के वायरल वीडियो पर घेरना शुरू कर दिया है। मैं इस चीज को बहुत हल्का मानता हूं कि हम अनावश्यक बातों पर बात न करें। अगर वो कहीं मस्जिद में गए तो मैं उसको गलत नहीं मानता। मैं ये कहूं कि वो मस्जिद में गए तो इसलिए वो गलत हो गए। हम सिर्फ ये कहते हैं कि उन्होंने 5 साल इस क्षेत्र की जनता को, इस प्रदेश को ठगने का काम किया, जो सही आरोप है। ये कोई बात थोड़ी है कि कोई मस्जिद गया, मंदिर गया। गए तो श्रद्धा है, उनकी श्रद्धा मस्जिद में है तो अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। हमें कोई दिक्कत थोड़ी है, हमें इस पर कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी विकास की आइडियोलॉजी, मैं उस विकास की आइडियोलॉजी पर बात करना चाहता हूँ और उस विकास की आइडियोलॉजी पर बहस करने के लिए मैं धन सिंह रावत जी को जब वो कहें, जहाँ वो कहें, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो विकास की आइडियोलॉजी पर आकर चर्चा करें। नैनीताल और उसके आसपास लगे 1 फीट से 2 फीट की बर्फ पड़ने से ऊंचाई वाले स्थानों में 3 दिन से लाइट, पानी, नेटवर्क व्यवस्था पूरी तरह से बाधित है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसी के साथ ही कई जगह पेड़ भी टूट गए हैं, जिससे बिजली के तार तक टूट गए। सुबह नेटवर्क की व्यवस्था थोड़ी बहुत ठीक हो पाई है। तो नैनीताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिन लोगों को बर्फबारी बहुत ज़्यादा पसंद है, उनके लिए मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर रहने वाले आम लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बर्फबारी की वजह से बिजली का संकट बना हुआ है, इसके अलावा पानी की समस्या हो रही है, साथ ही साथ आवागमन में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। वहीं दिनेशपुर में पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। तापमान में गिरावट के कारण लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के दिनेशपुर क्षेत्र में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और मैदानी क्षेत्र होने के कारण यहाँ सरसों और मटर की फसल की ज्यादा मात्रा में खेती होती है, लेकिन बारिश के कारण फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। तो दिनेशपुर की तस्वीरें आप देखेंगे, जहां पर 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से फसलों को बेहद नुकसान हो रहा है।
इस पर यही कहना चाहते हैं कि हमारी फसलों का बहुत नुकसान हुआ है। जैसे पहली बाढ़ आई, धानों का नुकसान हुआ, कोई मुआवजा नहीं आया, किसी ने कोई खबर नहीं ली, ना किसी सरकार ने ना किसी मंत्री ने। अब जैसे दो बारिशें अब हुई है, मटरों का नुकसान हुआ, लाई का नुकसान हुआ, कोई मंत्री नहीं आया, कोई सरकार की तरफ से मुआवजा नहीं आया। हमारा यही है कि हमारी फसलों का जो नष्ट हुआ है इसका हमें मुआवजा दिया जाए। बहुत भारी बारिश हुई है, नुकसान हुआ है हमारा बहुत ज़्यादा। ये देखो आपके सामने ये लाई है, लाई भी ख़राब हो गई और आए दिन ये बारिश है, नुकसान हो ही रहा है, आपके सामने ही है। दो दिन से जो झमाझम और रुक रुक के और तेज़ हवा के साथ जो बारिश हो रही है, इससे मेरे 8 एकड़ खेत का लाई एकदम बर्बाद हो गया है, जिसके चलते मैं सोच में पड़ गया हूँ कि कैसे क्या काम होगा। और मैं सरकार से ये भी मांग करना चाहता हूँ कि इस आपदा को देखते हुए किसानों के लिए कुछ अपना कुछ कार्रवाई करे। देश में कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी है। लगातार पांचवें दिन कोरोना से 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में 1,27,952 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटों में 1000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में अब 13.31 लाख सक्रिय मामले बचे हैं। वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या जो है वो 2.30 लाख रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि रोजाना संक्रमण दर घटकर 7.98% पर आ गई है। बीजेपी जल्द ही अपना तीसरा बुनियादी मुद्दा समान नागरिक संहिता की राह पर आगे बढ़ सकती है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने इस मुद्दे का हल निकालने की जिम्मेदारी 22वीं विधि आयोग को सौंपने का संकेत दे दिया है। गौरतलब है कि बीजेपी अब तक 3 में से 2 बुनियादी मुद्दों राम मंदिर निर्माण और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का मामला हल कर चुकी है। दरअसल बीते साल शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में शून्यकाल के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मामला उठाया था। उन्होंने कहा था कि कई अदालतें भी समान नागरिक संहिता लागू होने में हो रही देरी पर सवाल उठा रही है। देश का संविधान भी सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाने की बात करता है। इसके जवाब में कानून मंत्री ने दुबे को लिखे पत्र में कहा कि संविधान का अनुच्छेद 44 केंद्र सरकार को देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान संहिता लागू करने के लिए कहता है। इस अनुच्छेद के सभी प्रावधानों का विस्तृत अध्ययन की जिम्मेदारी किसवे विधि आयोग को दी गई। इस आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को खत्म हो गया। ऐसे में अब इस मामले को 22वें विधि आयोग को सौंपा जा सकता है। वहीं केंद्र सरकार ने माना है कि रेलवे के कई जोनों में 2.5 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। इनमें से 2,177 पद राजपत्रित अधिकारियों के हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा में बताया कि 2,63,370 पद गैर राजपत्रित कर्मचारियों के खाली हैं। मकपा सांसद डॉक्टर वी शिवेदासन के सवाल के लिखित जवाब में वैष्णव ने बताया कि रेलवे में कुल 26,05,547 पद खाली पड़े हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी पीएसी पूर्वी जोन भजनी राम मीणा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार मीणा ने यूपीपीएसी के सभी कमांडेंट और अफसरों को पत्र लिखकर खास आदेश दिया है। उन्होंने लिखा है कि सभी अपने अपने दफ्तरों में उनकी एक फोटो लगाएं। मीणा ने इसी के साथ फोटो का साइज भी बताया है, साथ ही स्थान का पता भी बताया जहां से उनकी फोटो मिलेगी। मीणा का यह पत्र उनके ही किसी मातहत ने वायरल कर दिया है। बता दें कि 1957 बैच के आईपीएस भजनी राम मीणा वर्तमान में पीएसी के पूर्वी जोन में एडीजी हैं। ऊधम सिंह नगर के पंतनगर स्थित सिडकुल में 28 जनवरी की रात में एक ऑटो चालक की हत्या कर शव सड़क किनारे फेंकने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने मृतक के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हत्या की वजह मात्र 2,000 रुपए का लेन देन बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को जेल भेज दिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है।
31 तारीख को एक मर्डर का अभियोग पंजीकृत हुआ पंतनगर थाने में, और उसमें ये संज्ञान में आया है कि नेमचंद नाम का व्यक्ति है जो जिसकी हत्या कर दी गई थी। इस इन्वेस्टिगेशन को करते हुए और जो हमारी टीम थी उसने सीसीटीवी फुटेज को भी देखा, देखने से ज्ञात हुआ कि रानू नाम का एक व्यक्ति था जो नेमचंद के साथ उस दिन रात को उसके साथ था और फिर वो सीसीटीवी में अकेला जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसी को तस्दीक करते हुए रानू को अरेस्ट किया गया। पूछताछ में पता चला कि रानू के ऊपर 2000 रुपए थे नेमचंद के, और उसी को लेकर उस रात को घटना वाले दिन इन दोनों के बीच में कहासुनी हुई, और जिसके पश्चात रानू ने लोहे के पाइप से उसके सर और चेस्ट में वार किया था। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और बड़ी खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है, रुक करेंगे खबरों का। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी राजनीतिक दल जनता को साधने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में बदायूं की दातागंज 117 विधानसभा सीट से बीएसपी से रचित गुप्ता भी डोर टू डोर प्रचार करने में जुटे हुए हैं। इसी को लेकर रचित गुप्ता से खास बातचीत की बदायूं से हमारे सहयोगी विजय ने। इस दौरान क्या कुछ कहा रचित, सुनिए। 14 फरवरी मतदान के लिए कुछ ही समय बाकी बचा है, जिसको लेकर के सभी पार्टियां जो है अपना दमखम दिखाने पे जुटी हैं। इसी क्रम में अगर दातागंज नगर की बात करें तो बीएसपी से रचित गुप्ता हमारे साथ हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बहन जी की जो नीतियां हैं उनको क्या क्या लेकर के जो है समाज के सामने ला रहे हैं। बहन जी की नीतियाँ सर्व समाज को लेके हैं, और आप देखिए पीछे जो जन, मैं तो अकेला कार्यालय से निकला था, मैंने सोचा अपने दो सुरक्षा कर्मियों के साथ निकला, मैंने सोचा कि आज अपने कस्बे में होके आता हूँ, घर से बहुत दूर हूँ, तो जब मैं निकला तो मुझे पता ही नहीं था इतना बड़ा हजूम पीछे आ जाएगा। तो बहन जी की जो नीतियाँ हैं उसके हिसाब से प्रदेश में सुरक्षा, चिकित्सा, सड़क और रोज़गार प्राथमिकता हैं, और सबसे बड़ी बात जो ये है वो आज की तारीख में जो बहन जी के शासनकाल में एक कुशल प्रशासक की तरह बहन जी ने काम किया है, वो एक सुरक्षित प्रशासन आपके सामने आने जा रहा है। आप देखिए कि कितना बड़ा परिवर्तन प्रदेश में और देश में होने जा रहा है बहुत जल्दी है। अगर जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता की क्या क्या समस्याएं निकल करके आ सकती है? जनता की एक समस्या हो तो बताई जाए, आज से बताऊंगा कल हो जाएगा। छोटी छोटी समस्याएं नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। हमारे सबसे जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो रात को खेतों में गाय रखा रहे हैं, सांड रखा रहे हैं, रोज मारे जा रहे हैं। तो ये तो एक समस्या नहीं है, कई समस्याएं हैं। सड़कें बेहाल हैं, नाली बनी नहीं है, गाँव में सड़कें नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। और क्या लगता है कि आप जब विधायक बन करके आएंगे तो सबसे प्राथमिक कार्य क्या होगा? सबसे पहले प्राथमिक कार्य सड़क, सुरक्षा, चिकित्सा और रोजगार मेरी विधानसभा के युवाओं को मैं दूंगा। अच्छा, युवाओं के लिए क्या क्या रोजगार के कैसे अवसर आप प्रदान? मैंने अपने पहले भी कई इंटरव्यू में कहा है मैं इस विधानसभा में अपनी चीनी मिल लगाने जा रहा हूं, और 100% अपनी चीनी मिल लगाऊंगा, और उस मेरी विधानसभा के 90% लड़के युवा रोजगार जो शिक्षित हैं मेरी चीनी मिल में काम करेंगे। ठीक है, ये जो थे दातागंज विधानसभा से 117 विधानसभा प्रत्याशी जो है रचित गुप्ता, और इनका कहना है कि अगर विधानसभा में कोई कार्य होता है सबसे पहले युवाओं के लिए रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। अगर इनको चुन करके विधायक बना करके अगर 117 विधानसभा दातागंज में लाते हैं तो सबसे पहला जो मुद्दा होगा वो होगा युवाओं के लिए, युवाओं को रोजगार, सुरक्षा और चिकित्सा, इस विधानसभा का सबसे पहला मुद्दा होगा। कैमरा पर्सन श्रीनिवास के साथ विजय राठौर, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, बदायूं। आप देख रहे हैं, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव बेहद नजदीक है, समय बेहद कम बचा है, ऐसे में सभी जो राजनीतिक दल हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीएसपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो। इसी कड़ी में अगर हम बदायूं की बात करें तो बदायूं में भी ऐसी तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है जहाँ पर राजनीतिक दल जनता को साधने में जुटे हुए हैं, तमाम तरीके के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अगर बदायूं की दातागंज सीट की हम बात करें, 117 विधानसभा सीट है जहां पर बीएसपी से रचित गुप्ता डोर टू डोर प्रचार करने में जुटे हुए हैं, और इसी दौरान हमारे सहयोगी उनसे बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत में वो साफ तौर पर कहते हैं कि हमने यही ठान लिया है कि इस बार विकास करना है और पूरा बदायूं जो अब तक विकसित नहीं हो पाया है पूरे बदायूं को हम विकसित करेंगे, साथ ही साथ युवाओं को रोज़गार हम देंगे, इसके अलावा जो भी परेशानी क्षेत्रवासियों की होगी उसे समझने की कोशिश करेंगे, और ये भी ज़रूरी है कि आने वाले समय में इन परेशानियों का हल जल्द से जल्द हम निकाल लें। तो चुनावी माहौल बना हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये चुनावी माहौल और ज़्यादा तेज़ हो रहा है क्योंकि अब मतदान की जो तारीख है वो नज़दीक आ रही है। वहीं दूसरी तरफ